आर्टिस्ट, वेलकम टू एडी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम करने वाले हैं फैब्रिक पेंटिंग। तो फैब्रिक पेंटिंग पर पहले मैंने क्या किया था कि फैब्रिक पर ना पेंसिल से इस तरह रपुंजल ड्रॉ कर ली थी। अगर आप चाहें तो अपना कोई भी एनिमे कैरेक्टर या पोर्ट्रेट वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये फ्रेम। लेकिन अगर आपका वर्क फ्रेम से बड़ा है, यानी आपका फ्रेम छोटा है, तो आप क्या करिएगा कि आप किसी कॉपी या बोर्ड वगैरह पर लगा के अच्छी तरह फैब्रिक को टेप से चिपका के उसके बाद भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कलर से। तो फैब्रिक कलर करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप फैब्रिक कलर करेंगे उसका पहला ध्यान ये है कि आप उसमें सूखने से पहले शेड दे दें, क्योंकि फैब्रिक कलर सूखने के बाद उसमें कोई भी शेड नहीं आती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और सूखने के बाद कौन सी शेड आती है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरह से फैब्रिक कलर के सूखने से पहले आप अपने फेस में या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें शेड दे दो। तो ये आपका होता है पहला प्रोसेस, जो आपका बहुत ही ज़्यादा मेन है। इसके बिना आप फैब्रिक कलर अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रोसेस में काम करेंगे, यानी कि पहले मैंने फेस में काम किया था, अब फेस के बाद हम नेक एरिया में कलर करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि थोड़ा सा हैंड में कर लिया और फिर थोड़ा सा फेस में कर लिया। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो शायद आपका कलर सूख जाए और सूखने के बाद उसमें शेड ना हो पाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम लिप्स में कलर करने के बाद अपनी जो आईज है उसको कर लेंगे। एक चीज़ का फैब्रिक कलर करते हुए और ध्यान रखना है आपको कि फैब्रिक कलर में आपको जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलाना है, या आप फैब्रिक का मीडियम भी यूज़ कर सकते हो। और फैब्रिक कलर में आप वाटर मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी मिलाने के बाद उसे कपड़े पर करेंगे तो वो फैल जाएगा और फिर उसमें चमक भी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इस तरह की फैब्रिक पेंटिंग जो है अपने बेडशीट पर कर सकते हैं, अपने ड्रेस पर कर सकते हैं, यानी आप जहाँ चाहे कर सकते हैं, और फैब्रिक कलर ड्राइंग पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने रपुंजल को कंप्लीट करेंगे। अब मैं फ्लावर कर रही हूँ, लेकिन इस पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। कलर सूखने से पहले हमें उसमें शेड देनी है। और एक जो कलर के ऊपर देते हैं, यानी जैसे मैंने आईज में दी थी ना ब्राउन, और फिर ब्राउन के ऊपर जैसे हमें कोई शेड देनी होगी तो वो हम सूखने के बाद देंगे। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर आप कोई एक कलर की शेड दे देते हो और फिर उस कलर के ऊपर आपको दूसरी शेड देनी है, लेकिन कलर मिक्स नहीं करना, तब आपको ये वाला प्रोसेस जो है फॉलो करना है। अब हेयर्स के लिए, हेयर में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आपने येलो कलर कर लिया, फिर येलो कलर के सूखने के बाद जो है अपने हेयर्स को और ज़्यादा अच्छी तरह जो है आप कर सकते हैं, मतलब यानी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं अपने हेयर्स को। जो हम रपुंजल के हेयर बना रहे हैं उसमें और ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं सूखने के बाद। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि हम क्या करेंगे कि बालों का एक फ्लो बनाकर चलेंगे, तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो है, जो लाइट येलो है यानी लेमन येलो, उससे मैं लाइंस बना रही हूँ, हेयर्स बना रही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि येलो कलर है रपुंजल के बालों में, तो उसमें ज़्यादा शेड नहीं होती। तो आपको क्रोम येलो और लेमन येलो और फिर लेमन येलो में भी हल्का वाइट मिलाकर या फिर हल्का ऑरेंज से आप डार्क शेड दे सकते हो, लेकिन ऑरेंज हो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो कि येलो में जो है हल्का रेड मिलाकर तब आप काम कर सकते हो, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपकी शेड भी अच्छी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज कलर लगाओगे तो उसमें शायद दिक्कत हो सकती है, वो शायद ज़्यादा डार्क हो जाए। तो इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना है। इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन इतना भी नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रख लेना है। आप अपना कोई भी एनिमे कैरेक्टर जो है बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम अपने रपुंजल का जो है फेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का और, अगर आपने कलर धार निकाल दिया है तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि बाद में आपको इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है। अब हम अपनी रपुंजल की जो है ड्रेस में कलर कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह मैंने लाइट पिंक और फिर
बहुत ही ज़्यादा जो लाइट था हमारा पर्पल उसकी शेड दी थी इसमें, तो इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हमने सूखने से पहले कलर को उसके अंदर शेड दे देनी है। अगर उसके ऊपर शेड देनी है तो वो हम बाद में करेंगे, उसके सूखने के बाद कलर लगाएंगे, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तो अब हम रपुंजल की ड्रेस जो है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको एकदम से डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर आप काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना चुके हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो एकदम से डार्क मत करना, पहले लाइट और फिर लाइट टू डार्क, इस तरह का प्रोसेस जो है। अभी इस तरह से हम धीरे धीरे जो है अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अब मैंने बाजू में जो है पर्पल कलर ले लिया है, और ये ही पर्पल की एक शेड है, यानी आप पर्पल के अलग अलग शेड से भी काम कर सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो रपुंजल के गाउन में कलर कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप छोटे ब्रश से काम ना करें, क्योंकि अगर आप छोटी ब्रश से काम करोगे तो वो लुक नहीं आ पाएगा, मतलब एक जो कलर में होती है ना स्मूथनेस, वो नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप कोशिश करिए कि आप बड़ी ही ब्रश से जो है अपना काम करें, या फिर क्योंकि हम फैब्रिक कलर कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कलर सूख जाए, या फिर छोटी ब्रश से ऐसा लुक ना आ पाए, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बड़ी ही ब्रश से काम करें। तो आप इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपको शेड के ऊपर शेड देनी है, यानी आपको जैसे आपने पर्पल कलर की शेड दे दी, लेकिन आपको पर्पल के ऊपर भी अगर कोई शेड देनी है तो वो पर्पल कलर सूखने के बाद आप वाइट कलर की शेड दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और जो एक चमक होती है ना वो आ जाएगी। तो इसका इस चीज़ से जो है आप काफ़ी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैब्रिक कलर के ऊपर शेड ही दोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रश की छाप ना छूटे, क्योंकि इस चीज़ से हमारी जो है पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है, तो इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने रपुंजल को कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसे आप अपनी ड्रेस पर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से एक और वाइट शेड जो है ऐड कर दी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये भी बताइएगा कि आपको एनीमे कैरेक्टर में कौन सा एनीमे कैरेक्टर पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह हम धीरे धीरे अपनी रपुंजल का लुक जो है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। एक और बात, अगर आप अपनी हेयर्स, यानी कि अगर आप अपने हेयर्स जो है बना चुके हो रपुंजल के, तो उसमें जो लास्ट शेड होती है यानी चमक वाली, तो उसके अंदर जो है आप वाइट कलर से जो है अपनी शेड दे सकते हैं, इससे हेयर्स में जो है चमक आ जाती है। और हैंड वगैरह को करते हुए आप शेड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि उसी से हमारी रपुंजल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए हमारा आर्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये है लास्ट, जो हमारा लास्ट वर्क था वो है ये। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने कलर बाहर निकाल दिया, यानी आप कलर कर रहे हो फैब्रिक कलर और आपने कलर बाहर निकाल दिया, तो कोशिश करिएगा कि वो कलर बाहर ना निकले, क्योंकि वो आपका जो आर्ट वर्क है उसको पूरा बर्बाद कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोस्टर कलर में तो सही भी हो जाता है, लेकिन फैब्रिक कलर में बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं सही होने के। और यहाँ पे मैं हल्का सा वाइट का टच दे रही हूँ ताकि हमारे रपुंजल के हेयर्स में जो है चमक रहे, तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे फॉलो करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा था वो रपुंजल के हेयर्स बनाने में लगा था, लेकिन आप चाहे तो कोई और एनिमे कैरेक्टर भी बना सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।